नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल लर्न एंड ग्रो में। आज हम डिस्कस करेंगे कोप्लेनर कंकरेंट जो फोर्सेस होती हैं उनका एक न्यूमेरिकल हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि जो कोप्लेनर कंकरेंट फोर्सेस होती हैं वो क्या होती हैं। देखिए, ये हमने फिगर बनाया है। कोप्लेनर फोर्सेस क्या होती हैं? जो सेम प्लेन के अंदर हो, यानी कि एक ही प्लेन के अंदर जो लाई करती हो। कंकुरेंट फोर्सेस क्या होती हैं? जैसे हमने यहाँ पे P1 फोर्स बनाई है, P2 बनाई है, P3 फोर्स बनाई है, और ये सारी जो फोर्सेस हैं इनकी जो लाइन ऑफ एक्शन है पॉइंट O पे मीट कर रही हैं। तो इस तरह की फोर्सेज जिनकी लाइन ऑफ एक्शन एक ही पॉइंट पर मीट करें उनको हम बोलते हैं कंकुरेंट फोर्सेज। तो एक ही प्लेन के अंदर लाई कर रही हैं तो कोप्लेनर कंकुरेंट फोर्सेज हम इनको बोलेंगे। तो ये फिगर है। इस तरह की न्यूमेरिकल प्रॉब्लम हमारे पास आ सकती है। तो इसके अंदर हमें क्या निकालना है? आर की वैल्यू निकालनी है, यानी कि रिजल्टेंट की वैल्यू निकालनी है, और अल्फा निकालना है, उसका इंक्लिनेशन निकालना है इस एक्सिस से, जो एक्स एक्स डैश एक्सिस है हमारे पास। तो इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे? तो सबसे पहले जो फॉर्मूला है वो हमें याद होने चाहिए। तो आर का जो रिजल्टेंट का फॉर्मूला है वो क्या होता है? वो होता है अंडर रूट समेशन एफ एक्स का स्केयर, यानी कि जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट हैं सारे उनका स्केयर, और समेशन एफ वाई का स्केयर जो कि है वर्टिकल कंपोनेंट। तो हॉरिजॉन्टल जो कंपोनेंट है उनका स्केयर प्लस जो वर्टिकल कंपोनेंट है उनका स्केयर का अंडर रूट आर होता है। तो आर की वैल्यू के लिए हमें ये चाहिए और ये चाहिए, यानी कि समेशन एफ एक्स चाहिए जो टोटल हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है उनका उनका समेशन, और एफ वाई चाहिए जो टोटल वर्टिकल कंपोनेंट है उनका समेशन चाहिए। इसी तरह से जो हमारा टेन अल्फा है, यहाँ से हम अल्फा इंक्लिनेशन निकाल सकते हैं। इस रिजल्टेंट का इंक्लिनेशन कितना होगा इस एक्सिस से और कौन से क्वाड्रेंट में होगा वो भी हम निकाल सकते हैं, वो भी हम डिस्कस करेंगे। तो वो होता है हमारे पास समेशन एफ वाई डिवाइड बाई समेशन एफ एक्स। तो इस फॉर्मूला से आप अल्फा की वैल्यू को निकाल सकते हैं। तो जो हमारी कोप्लेनर कंकरेंट फोर्सेज हैं उनके लिए जो फॉर्मूला होता है वो होता क्या है, इसके लिए हम करते क्या है? देखिए, जो भी ये फोर्सेज हैं P1, P2, P3 जितनी भी फोर्सेस हैं, हम पहले क्या करते हैं इनका हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल कंपोनेंट बना लेते हैं। तो जैसे P1 ये फोर्स है इस तरह से है, तो इसका एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होगा, एक वर्टिकल कंपोनेंट होगा। हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट क्या होगा? कोस थीटा, और वर्टिकल कंपोनेंट क्या होगा? साइन थीटा। थीटा यानी कि जो ये एंगल होगा, जैसे P1 के लिए 30 है तो यहाँ कोस 30 आ जाएगा और थीटा यहाँ साइन 30 आ जाएगा। तो हमारा जो इसके अंदर हमें निकालना क्या है, देखिए ये जो एक्स एक्स डैश एक्सिस है इससे जो कितना एंगल बना रही है हर एक फोर्स, तो जैसे P1 जो फोर्स बना रही है वो 30 डिग्री बना रही है, इसी तरह से यहाँ से लेके यहाँ तक, यानी कि ये जो एंगल होगा, ये वाला एंगल होगा इसी एक्सिस से, ये एंगल कितना होगा P2 तक का। तो P2 तक का एंगल कितना होगा पहले हमें वो निकालना है। तो देखिए, P2 तक का एंगल निकालने के लिए यहाँ भी हमें कुछ नहीं दिया गया कि जो ये P2 फोर्स है कितनी इंक्लाइंड है, तो पहले तो हमें इसका इंक्लिनेशन निकालना होगा। अब जब हम इंक्लिनेशन निकालते हैं, वो हमेशा हमने बात की कि इसी एक्सिस से निकालेंगे जो हॉरिजॉन्टल एक्सिस है। तो इससे अगर हम इस क्वाड्रेंट की बात करें, इसको भूल जाइए आप, इस तरफ और इस तरफ, तो ये जो क्वाड्रेंट बनता है ये सेकंड क्वाड्रेंट है। तो अगर हम इस एरो की डायरेक्शन देखें, इंक्लिनेशन निकालना है तो ये हमें निकालना पड़ेगा इस एक्सिस से कितनी इंक्लाइंड है, तो ये एंगल हमें निकालना पड़ेगा। तब जाके हम उसको पूरे, इसको हम जब एंगल निकाल लेंगे, और ये पूरा 90 है क्योंकि ये देखिए परपेंडिकुलर है, 90 में से इस एंगल को घटाना पड़ेगा तो हमें ये एंगल मिलेगा। तो ये 90 था, उसके अंदर हम ये प्लस कर देंगे। तो इसको समझते हैं कि ये कैसे है। पहले तो हमें ये इंक्लिनेशन निकालना है। तो लेकिन हमें क्या दिया गया है, यहाँ पे कोई एंगल तो नहीं दिया गया, लेकिन ये दिया गया है देखिए इस तरह से और इस तरह से, ये 2 दिया गया है, ये 1 दिया गया है। अब सबसे पहले इस इंक्लिनेशन को निकालने के लिए ये हमें निकालना पड़ेगा कि ये एंगल कितना है। तो ये हम कैसे निकालेंगे? तो यहाँ पे देखिए, हम लगाएंगे टेन थीटा। टेन जो थीटा है वो यहाँ पे क्या आ जाएगा, वो आ जाएगा यहाँ पे 1/2। तो टेन थीटा क्या होता है, अगर आप इसको देखें तो हमारे पास ये फॉर्मूला होता है, यानी कि जो टेन थीटा है ये वाला होता है जो आपका परपेंडिकुलर है, लंब जिसको हम बोलते हैं, डिवाइड बाय जो आधार है जिसको हम बेस बोलते हैं। तो लंब यहाँ पे क्या है, 1 है, क्योंकि यहाँ पे देखिए ये थीटा जो है इसके बिल्कुल सामने वाला ये परपेंडिकुलर बनेगा और ये बेस बन जाएगा, तो 1/2 यहाँ पे बनेगा। तो टेन थीटा इक्वल टू 1/2 यहाँ पे आप निकाल लेंगे, और जो थीटा आएगा आपके पास वो क्या आएगा आपके पास, तो थीटा की जब आप वैल्यू निकालेंगे वो लगभग आएगी आपके पास 26.56 के लगभग आएगी। तो ये जो थीटा आया है ये आया क्या है, अब जो ये थीटा आया है वो आई है ये वैल्यू, यानी कि ये कितना इंक्लाइंड है इसके, तो इस स्लोप से हमने ये निकाल लिया, तो ये आया आपके पास 26.56 आया। अब देखिए,
इसके अंदर ये टोटल कितना है, ये यहाँ से यहाँ तक ये एंगल कितना है, ये 90 डिग्री का है। तो 90 में से आप इसको माइनस कर देंगे तो आपके पास कौन सा एंगल आ जाएगा, ये वाला एंगल आ जाएगा, इतना एंगल आ जाएगा, क्योंकि ये देखिए टोटल 90 है, क्योंकि दोनों ही एक्सिस परपेंडिकुलर हैं, म्यूचुअली परपेंडिकुलर हैं एक दूसरे के। तो ये 90 है, ये हम निकाल चुके हैं। तो 90 माइनस 26.56, तो ये आपके पास जो ये एंगल बचेगा, ये इतना एंगल बचेगा, ये कितना बचेगा, ये आपका जब माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा आपके पास 63.44 के लगभग आ जाएगा, 63.44 के लगभग आ जाएगा। तो इतना एंगल जो है ये आ गया आपका 63.44। अब ये कितना है 90, तो अगर आप यहाँ से यहाँ तक क्या एंगल निकालना चाहते हैं, तो 90 प्लस 63.44 आप ऐड कर देंगे जो ये आया है, और ये आपके पास आ जाएगा 153.44। तो इस तरह से आप यहाँ से यहाँ तक की दूरी निकालेंगे। तो उसके बाद देखिए आपको क्या निकालना है, तो यहाँ पे भी आपका कुछ ना कुछ यहाँ पे एंगल दिया होगा, मान लीजिए यहाँ पे 60 डिग्री है, तो यहाँ पे अगर इतना टोटल कितना है 180 डिग्री, तो ये एंगल आपको दिया हुआ है 60, तो यहाँ तक का एंगल निकालना है, यहाँ से लेके तो यहाँ तक 180 और 60, ये कितना हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा जब आप इसको ऐड करेंगे, आप ऐड करके देख सकते हैं, यहाँ से 180 है और ये 60, तो ये आ जाएगा आपके पास 240 डिग्री। तो इस तरह से आपने यहाँ से यहाँ तक 180 और यहाँ से 60 जोड़ लिया, तो ये भी एंगल आ गया आपके पास 240। तो इस तरह से देखिए यहाँ से यहाँ तक का भी एंगल आप निकाल चुके हैं, यहाँ से यहाँ तक का एंगल आप निकाल चुके हैं, और जो आया 153.44 आप इसको लिख लीजिए, 153.44 आया था यहाँ से यहाँ तक का। अब यहाँ से यहाँ तक का भी आपके पास आ चुका है जो कि है 240। तो ये एंगल निकालने के बाद आपको किस फॉर्मूले में पुट करने हैं, जो हमारा समेशन एफ एक्स का है और समेशन एफ वाई का है। अब समेशन एफ एक्स का फॉर्मूला क्या है, जितने भी हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट हैं हर एक फोर्स के आप ऐड कर देंगे। जैसे P1 का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट क्या है, कोस थीटा, तो यहाँ पे जो वैल्यू है P1 की वो कितनी है 10, तो 10 कोस थीटा यानी कि 10 कोस 30 डिग्री, तो आप ये पुट कर देंगे। उसके अंदर प्लस करेंगे, दूसरा जो फोर्स है वो कौन सी है, 20 है, तो 20 के साथ यहाँ पे कोस आएगा, और थीटा क्या आएगा, जो आपने यहाँ पे ये निकाला है, ये कितना आया था 153.44, तो 153.44 दूसरी फोर्स का एंगल आ गया, प्लस जो तीसरी फोर्स है यहाँ से यहाँ तक का एंगल 180 प्लस जो 60 आया था जो कि है 240, तीसरी फोर्स आपने ली है 30, तो इसके साथ आ जाएगा 30 कोस, और जो ये टोटल एंगल है ये क्या है 240। तो इस तरह से आप एफ एक्स की वैल्यू यहाँ पे सोल्व कर लेंगे। इसी तरह से आप एफ वाई की वैल्यू भी सोल्व कर सकते हैं, जैसे आपने एफ एक्स की, तो इस एफ वाई के अंदर क्या लेंगे, आप सारे वर्टिकल कंपोनेंट लेंगे, तो एफ वाई के अंदर सारे वर्टिकल कंपोनेंट आप ऐड करेंगे, तो 10 यहाँ पे आ जाएगा सिर्फ साइन और एंगल वही रहेगा, यहाँ 20 यहाँ आ जाएगा साइन, और यहाँ 153.44 प्लस 30, तो कोस की जगह सिर्फ आपको यहाँ पे क्या लगाना है, साइन लगाना है। तो यहाँ से आपकी एफ वाई की वैल्यू निकल जाएगी, यहाँ से आपकी एफ एक्स की वैल्यू निकल जाएगी, इस वैल्यू को आप यहाँ पुट करेंगे और यहाँ पुट करेंगे तो आर की वैल्यू आप फाइंड आउट कर लेंगे, यहाँ पे एफ वाई और एफ एक्स की वैल्यू पुट करेंगे तो अल्फा की वैल्यू भी आप फाइंड आउट कर लेंगे। तो इस तरह से देखिए आप आर की वैल्यू निकाल सकते हैं और अल्फा की वैल्यू निकाल सकते हैं सीधा ये पुट करके। अब उसके बाद देखिए जो वैल्यूज़ आती हैं एफ एक्स और एफ वाई की, अब ये इनको हम देखते हैं कि जो रिजल्टेंट की वैल्यू आई है ये कौन से क्वाड्रेंट में लाई करेगा, जो रिजल्टेंट है और कितने इंक्लिनेशन पे लाई करेगा, ये हमारा यहाँ से आ जाएगा। तो हमारे पास चार क्वाड्रेंट होते हैं, तो ये चार क्वाड्रेंट हैं हम यहाँ पे ड्रा कर लेते हैं। तो देखते हैं कि अगर एफ एक्स और एफ वाई की वैल्यू जो पॉजिटिव नेगेटिव आएगी तो वो कहाँ कहाँ आएगी। तो यहाँ पे देखिए ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये सेकंड क्वाड्रेंट है, ये थर्ड क्वाड्रेंट है, ये फोर्थ क्वाड्रेंट है, तो इसको हम प्लस लेंगे इस साइड राइट हैंड साइड, और ऊपर वाले को प्लस लेंगे, इसको माइनस लेंगे और इसको माइनस लेंगे, तो इस तरफ माइनस नीचे माइनस। अगर आपकी ये क्या है हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है यानी कि एफ एक्स कंपोनेंट है, ये वर्टिकल कंपोनेंट है यानी कि एफ वाई कंपोनेंट है, तो एफ एक्स अगर आपका यहाँ पे पॉजिटिव आ जाता है, जब आप इसको सोल्व करते हैं पॉजिटिव वैल्यू आ जाती है कुछ, तो यहाँ पे ये पॉजिटिव है, और अगर एफ वाई की वैल्यू नेगेटिव आ जाती है तो नेगेटिव कहाँ पे है, नेगेटिव यहाँ पे है। तो अब देखिए एफ एक्स और एफ वाई अगर दोनों पॉजिटिव हों तो वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा जो भी आपका रिजल्टेंट आएगा। अगर एफ एक्स आपका नेगेटिव है और एफ वाई आपका पॉजिटिव है,
अगर वैल्यू आ जाती है वाई की पॉजिटिव और एफ एक्स की नेगेटिव, तो यहाँ पे होगा वो सेकंड क्वाड्रेंट में होगा। अगर दोनों ही एफ एक्स एफ वाई नेगेटिव आ जाते हैं, ये थर्ड क्वाड्रेंट में रिजल्टेंट लाइक करेगा। और इसी तरह से अगर आपका जो एफ वाई नेगेटिव आ जाता है, एफ एक्स पॉजिटिव आ जाता है, तो ये फोर्थ क्वाड्रेंट में लाइक करेगा। तो इस तरह से देखिए जो रिजल्टेंट का हम क्वाड्रेंट भी निकाल सकते हैं कि कौन से क्वाड्रेंट में लाइक करेगा, अगर हम एफ एक्स और एफ वाई की वैल्यू को देख लेते हैं कि वो नेगेटिव है या पॉजिटिव है। तो इस तरह से भी आप जो रिजल्टेंट है वो निकाल सकते हैं। उसके बाद जो अल्फा है, इंक्लिनेशन है, वो भी आप निकाल सकते हैं। अगर सेकंड क्वाड्रेंट में होगा तो ये जो एंगल है वो अल्फा होगा। और अगर आप यहाँ से इस फोर्स का एंगल निकालना चाहते हैं तो टोटल 180 है, 180 में से इसको माइनस कर देंगे। तो अल्फा क्या होगा? इंक्लिनेशन है, जो भी रिजल्टेंट का होगा इसी एक्सिस से हम देखेंगे उसको। तो इस तरह से देखिए आप जो कोप्लेनर कंकरेंट फोर्सेस सिस्टम के जो न्यूमेरिकल हैं, इस प्रोसीजर के थ्रू आप उनको सॉल्व कर सकते हैं। तो थैंक यू वीडियो देखने के लिए। और ज़्यादा अपडेटेड वीडियोज़ के लिए आप हमारे चैनल लर्न एंड ग्रो पे हमें सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू।